हैं स्ट्रेटनर या कर्लर के साथ तो वो इरिटेट करती हैं। ये देखिए 3-in-1 के दोनों साइड्स पे बटन दिए गए हैं। इस बटन को अगर हम प्रेस करेंगे तो जो है हमारा स्ट्रेटनर ओपन हो जाता है। गाइस यू कैन सी ये हमारा स्ट्रेटनर ओपन हो गया है। ये स्ट्रेटनर की प्लेट आपको नज़र आ रही है, ठीक है, ये हमारा स्ट्रेटनर हो गया। इसी तरह इसकी ये दूसरी साइड है, यू कैन सी। अब हम दूसरी साइड को ओपन करते हैं, इस तरह से इसको क्लोज करना है और दूसरी साइड वाले बटन को हमने प्रेस कर देना है तो ये हमारा क्रिम्पर ओपन हो जाएगा। सो गाइज यू कैन सी ये इसकी क्रिम्पर प्लेट है, दोनों साइड पे जो है इसके क्रिम्पर दिया गया है और इससे जो है हम क्रिम्पिंग करेंगे, ठीक है। और अगर हम इन सबको क्लोज करके ये जो दोनों साइड के बटन्स हैं इनको सेंटर में कर दें, लाइक इक्वली प्रेस करें, तो ये हमारा जो है कर्लर बन जाएगा। ये देखिए ये हमारा कर्लर बन गया है। तो गाइस लुक वाइज तो काफ़ी स्मार्ट है, तो आइए देखते हैं कि रिज़ल्ट भी इसका उतना स्मार्ट है या नहीं। तो आज के हेयर्स जो हैं वो मैंने इसी के साथ स्ट्रेट किए हैं। चलिए फिर एक बार स्ट्रेट कर देती हूँ। स्ट्रेटनिंग में तो इसका रिज़ल्ट नो डाउट बहुत अच्छा है। फ़िलहाल मैंने स्ट्रेट ही करके देखा था, बाकी दो फंक्शंस आपके सामने ट्राई करूँगी। तो स्ट्रेटनिंग इसकी काफ़ी अच्छी है, लाइक 2 टाइम्स में आपको अच्छा खासा जो है ये स्ट्रेटनिंग रिज़ल्ट दे देती है। सो आप देख सकते हैं मैंने पहले भी इसी के साथ अपने बाल स्ट्रेट किए हैं, एक एक बाल जो है आपका स्ट्रेट हो गया है, प्लस शाइन दे रही है। और इस वक्त मैंने अपने हेयर्स पे कोई भी सीरम अप्लाई नहीं किया बिकॉज़ कि सीरम मेरे पास फ़िलहाल ख़त्म हुआ हुआ है, तो इस वजह से मैंने डायरेक्ट इस पर स्ट्रेटनिंग की है। बट आप डायरेक्ट स्ट्रेटनिंग ना कीजिएगा क्योंकि इसके साथ हेयर्स डैमेज हो जाते हैं, तो सीरम जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। वेल मैं लिवॉन का सीरम यूज़ करती हूँ, तो आप कोई भी यूज़ कर सकती हैं। तो गाइज यू कैन सी इसकी जो स्ट्रेटनिंग है उसका रिज़ल्ट बहुत ही नाइस है। एंड बिलीव यू मी मार्केट में जो हमें अच्छे ब्रांडेड स्ट्रेटनर मिलते हैं जिनकी मार्केट में कीमत अराउंड अबाउट 9 to 10,000 है, ये उसके लेवल पे जाकर जो हमें स्ट्रेटनिंग पे रिज़ल्ट दे रही है, यू कैन सी। तो स्ट्रेटनिंग में हम इसको 10 out of 10 मार्क्स देंगे बिकॉज इसकी जो स्ट्रेटनिंग है वो बहुत लेवल की है। तो अब आइए इसका सेकेंड फंक्शन हम ट्राई कर लेते हैं जो कि मैं आपके सामने ट्राई करूँगी। तो अब हम अपने हेयर्स की जो है क्रिम्पिंग करेंगे। यहाँ पे मैं अपने हेयर्स का एक सेक्शन उठाऊँगी और इसकी जो है आपको क्रिम्पिंग करके दिखाऊँगी कि क्रिम्पिंग का रिज़ल्ट जो है वो कैसा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो गाइस ये बहुत जल्दी हीट अप हुआ और इसकी अच्छी खासी हीट है, तो आइए अब हम क्रिम्पिंग का रिज़ल्ट देखते हैं। वाओ गाइस यू कैन सी कितना अच्छा नीट एंड क्लीन क्रिम्पिंग रिज़ल्ट दे रही है हमें, बहुत ही नाइस। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि एक एलिमेंट में हमें 3-in-1 तीनों चीज़ें एक साथ मिल गई हैं। आप इससे अपने हेयर्स की अच्छी खासी हेयर स्टाइलिंग और डिफरेंट स्टाइल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइस यू कैन सी कितनी अच्छी क्रिम्पिंग दे रहा है और 1 टच में, इसको हम एक एक बार प्रेस कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि कितनी लेवल की क्रिम्पिंग दे रहा है और वो भी ओनली 1900 रुपीज़ में। ऑनलाइन तो ये 2500 मिल रहा था बट मार्केट से मैंने इसको 1900 में परचेज़ किया है। सो गाइज यू कैन सी कितनी खूबसूरत लग रही है। इसको परचेज़ करते हुए मैं थोड़ा डाउटफुल थी कि पता नहीं ये एक एलिमेंट में 3-3 चीज़ें हैं और किस तरह का काम करेंगी या नहीं करेंगी, बट मैंने कहा चलो देख लेते हैं, रिव्यू भी देंगे, अच्छा होगा तो अच्छा रिव्यू हो जाएगा, नेगेटिव होगा तो फिर नेगेटिव हो जाएगा, देख लेते हैं। बट बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका, स्ट्रेटनिंग का भी और क्रिम्पिंग का भी। तो अब आइए कर्ल्स का भी देख लेते हैं कि किस तरह की कर्लिंग जो है ये हमें देता है। तो गाइस आइए इसकी हम कर्लिंग करते हैं। जितनी अच्छी इसकी हीट है तो कर्लिंग भी होप सो अच्छी ही होगी क्योंकि ये काफ़ी अच्छा हीटअप हो गया है। हाँ इसमें हीट के लिए कोई भी मीटर नहीं है, इसको आप हाई या लो नहीं कर सकते, इसकी एक ही हीट होती है और टाइम टू टाइम इसकी हीट जो है वो इंक्रीज़ होती जाती है। तो आप सीरम ज़रूर अप्लाई कीजिएगा ताकि जो आपके हेयर्स हैं वो डैमेज ना हो। और इसके वायर देखिए कितनी फ्लेक्सिबल है, अगर आप इसको कर्लिंग में राउंड जैसे मर्जी करें इसकी जो वायर उसमें बल नहीं डलेंगे, तो ये चीज़ मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी। तो ये देखिए हमने थोड़े से टाइम के लिए इसको कर्ल किया और कितना अच्छा इसका कर्लिंग रिज़ल्ट आया है। वाओ यू कैन सी बहुत ही मज़े का इसने हमें कर्ल दिया है, ये लूज़ कर्ल मुझे बहुत अच्छा लगा। आइए एक और जो है हम इसे कर्ल करके देखते हैं। कर्लिंग के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें तमाम जो हेयर्स हैं उनको कर्ल करके एक हेयर स्टाइल जो है वो आपको क्रिएट करके दिखाऊंगी। फ़िलहाल जो है मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर रही हूँ तो आपको एक या दो कर्ल करके दिखा देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो है मैं इसका
कंप्लीट कर्लिंग जो है आपको उसका रिज़ल्ट चेक करवाऊंगी। तो ये देखिए थोड़े से टाइम के लिए इसको रखना पड़ता है और इसकी हीट जो है वो इतनी अच्छी है कि फ़ौरन फ़ौरन जो है हमें रिज़ल्ट दे रही है। तो आइए अब इसको भी हम ओपन करके देखते हैं कि ये हमारा जो कर्ल है। और हाँ, इसका जो रॉड है वो काफ़ी यानी कि बड़ा है, जिससे हमें बड़े बड़े वॉल्यूम वाले जो हैं लूज़ कर्ल्स मिल रहे हैं। तो ये चीज़ भी मुझे इसकी अच्छी लगी। तो कर्लिंग काफ़ी अच्छी की है, स्ट्रेटनिंग भी काफ़ी अच्छी की एंड क्रिम्पिंग भी आला थी। तो इसके जो तीनों एलिमेंट है वो उनको जो हम मार्क्स देते हैं वो 10 out of 10 है, क्योंकि तीनों का रिज़ल्ट नो डाउट बहुत अच्छा है। जो सैलून से हम स्ट्रेटनिंग कर्लिंग या क्रिम्पिंग का रिज़ल्ट लेते हैं।